हेलो किड्स, आज हम मिलेंगे वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से। कौन होते हैं जंगली जानवर? ऐसे जानवर जो फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं और वो शिकार करके अपना पेट भरते हैं और वो हमें भी खा सकते हैं। तो कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स को जानते हैं आप? आइए मिलते हैं उनसे। ये है लायन यानी शेर। ये जंगल का राजा होता है क्योंकि ये सबसे ताकतवर होता है। और ये कौन है? ये है टाइगर, जंगल बुक वाला शेर खान। ये इंडिया का नेशनल एनिमल भी है। और ये कौन है? ये है एलिफेंट, हाथी। ये जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल है। और ये कौन है? ये है बेर, भालू। ये बहुत दिनों तक सोता रहता है ताकि खाना ना मिलने पर भी जिंदा रह सके। और ये है डियर यानी हिरण। ये बहुत तेज भाग सकता है ताकि शेर खान से बच सके। और ये लंबी गर्दन वाला कौन है? ये तो जिराफ है। इसकी इतनी लंबी गर्दन होती है ताकि ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भी पत्तियां खा सकता है। और ये मोटा तगड़ा बंदर कौन है? ये तो गुरिल्ला है। ये मंकी की फैमिली का ही होता है। और ये कौन है? ये है हिप्पोपोटामस, रिवर हॉर्स यानी नदियों का हॉर्स। और ये कौन है? ये है उछलू कूदू मंकी। और इसको क्या पसंद होता है? बनाना। और ये कौन है? ये है पांडा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का भालू। और ये बैम्बू फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये एक सींग वाला जानवर कौन है? ये है राइनोसेरस। इसका जो हॉर्न होता है वो हड्डी से नहीं बल्कि बालों से बना होता है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कौन है? ये है ज़ेब्रा। तो मजा आया किड्स इन एनिमल्स से मिलकर के? तो किन किन एनिमल्स से मिले आज हम? लायन, टाइगर, एलिफेंट, बेर, डियर, जिराफ, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस, मंकी, पांडा, राइनोसेरस एंड ज़ेब्रा। तो बच्चों, जितना बड़ा होगा जंगल उतने खुश होंगे वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जंगल ही है उनका घर। आज हम मिलेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स से। तो कौन होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जो हमारे यानी इंसानों की हेल्प से जिंदा रह पाते हैं और साथ ही वो इंसानों की भी मदद करते हैं। तो आओ मिले डोमेस्टिक एनिमल्स से। तो बताओ ये कौन है? ये है काऊ यानी गाय। इसके दूध को पीकर हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इसके दूध से बहुत सी चीजें बनती हैं, जैसे पनीर, दही और मिठाइयाँ।
और ये कौन है? ये तो कैट है, यानी बिल्ली। ये हमारे घर पर चूहों को आने से रोकती है। और ये कौन है? ये है डॉग, यानी कुत्ता। ये बहुत वफादार होते हैं और हमारे घर की रक्षा करते हैं। और ये कौन है? ये है हैन, यानी मुर्गी। मुर्गियां अंडे देती हैं और उन अंडों को खाकर हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और ये कौन है? ये है डोंकी, यानी गधा। ऐसी जगह जहां सड़कें नहीं होती या सामान ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो डोंकी सामान ढोने में इंसानों की मदद करते हैं। और ये कौन है? यह है कैमल, यानी ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि डेजर्ट यानी रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हमारी हेल्प करता है। और ये कौन है? ये है गोट, यानी बकरी। इसका दूध बहुत हेल्दी होता है। और ये कौन है? ये है हॉर्स, यानी घोड़ा। ये बहुत तेज और ताकतवर जानवर होता है। ये भारी सामानों को खींचने के काम आता है। और ये है शीप, यानी भेड़। बा ब्लैक शीप। इसके शरीर के बालों से ऊन बनती है और उनमें बहुत गर्माहट होती है, और इसीलिए ऊन के बने स्वेटर हमें सर्दियों में खुद को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। तो बताओ, आज हम किस किस से मिले? काऊ, कैट, डॉग, हैन, कैमल, डोंकी, गोट, शीप एंड हॉर्स। तो मजा आया ना बच्चों डोमेस्टिक एनिमल से मिलके? So see you soon. Bye bye.